तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म होते ही भड़की हिंसा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कर दिया बुरा हाल। इजराइल से जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मौजतवा। खामनोई ने छोटे बेटे को बनाया ईरान का उत्तराधिकारी। उत्तर प्रदेश की राह पर पहुंची राजस्थान की बीजेपी सरकार। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े खादिम होटल का बदला नाम, मुसलमानों ने किया विरोध। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल। सलमान खान की जान का बन गया था दुश्मन, अब काटेगा पूरी जिंदगी जेल। असुद्दीन ओवैसी को भारत के साधु संतों ने दी धमकी, कहा अगर दम है तो 15 मिनट दे कर देंगे ओवैसी का खात्मा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को लगा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रत्येक दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई करने से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होते ही भड़की हिंसा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को पीटा। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही हिंसा भड़क गई है। महाराष्ट्र के नासिक में भाजपा और शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच दंगा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और बुरी तरीके से घायल करके भगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट गठबंधन के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस पार्टी की सरकार एग्जिट पोलों में बनती हुई नजर आ रही है। और इसी बात को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं से बहस हो गई और भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने पीटा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी की राह पर राजस्थान सरकार। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े खादिम होटल का बदला नाम। जदोसो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह अब राजस्थान की बीजेपी सरकार भी शहरों होटलों के नाम बदलने लगी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने अजमेर में राज्य पर्यटन निगम के प्रसिद्ध होटल खादिम का नाम बदलकर अजमेरू रख दिया है। एक आधिकारिक आदेश में सरकार ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि शहर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से ये नाम बदला गया है। आपको बता दें कि सरकार ने बताया है कि अजमेर को ऐतिहासिक रूप से अजमेरू नाम से जाना जाता था और प्राचीन भारतीय शास्त्रों और ऐतिहासिक ग्रंथों में इस नाम का इस्तेमाल किया गया है। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है और खादिम नाम से जुड़ा है। दरगाह के मौलवियों को खादिम कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी सरकार ने दी, जबकि कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध भी किया है। आपकी क्या राय दोस्तों, सरकार ने जो नाम बदला है वो ठीक है या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल। सलमान खान की जान का बन गया था दुश्मन। जो दोस्तों आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लेने की बड़ी खबर कैलिफोर्निया से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक 2 हफ्ते पहले ही अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत वारंट जारी किया गया था, फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। खबर है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमरीका से भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया है कि अनमोल को भारत लाने की कोशिश का असर भी दिखना शुरू हो गया है। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलाबारी के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल मुंबई की वांटेड लिस्ट में शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ओवैसी ने साधु संतों को दी धमकी, हिंदुओं पर निकाली पूरी भड़ास। जो दोस्तों आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान हैदराबाद के सांसद और एआईएमएम के सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट की टिप्पणी का जिक्र किया था। इसके बाद से ही राजनीतिक दलों ने उन पर हमला शुरू कर दिया है। इस मामले में अब उज्जैन के साधु संत भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने असुद्दीन ओवैसी को खुली चुनौती दी है। वहीं असुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद उज्जैन के साधु संतों ने कहा है कि हम असुद्दीन ओवैसी को खुली चुनौती देते हैं, वो जहां चाहे वहां पर सामना कर ले। हम 15 मिनट नहीं बल्कि 15 सेकंड ही दे दें, हम 15 सेकंड में ही ओवैसी जैसे लोगों का
काम तमाम कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मोहतजबा। यह दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। 85 वर्षीय आयतुल्ला अली खामनोई, जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पर हैं, अब वे अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे मौजतबा खामनोई को इस पद पर नियुक्त कर रहे हैं। ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनोई, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, देश के नए सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक मौजतबा खामनोई को 26 सितंबर 2024 को एक्सपर्ट असेंबली ने सर्वसम्मति से नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुना है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अब 2 माह बाद की जाएगी। एक्सपर्ट असेंबली 46 वरिष्ठ मौलानाओं का समूह है, जो हर 8 साल में चुना जाता है और देश का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता तय किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को लगा झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमों की डे टू डे बेसिक सुनवाई की मांग हिंदुओं की ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सूट नंबर 4 के पक्षकार आशुतोष पांडे की याचिका को खारिज कर दिया है। इस अर्जी में विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई थी और कहा गया था कि मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इससे करोड़ों सनातन धर्मियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस मामले में डे टू डे बेसिस पर सुनवाई जल्द की जाए और इसको निपटारा जाए। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, जब हमें समय मिलेगा तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के अयोध्या की तरह असम की बीजेपी सरकार ने बदला करीमगंज जिले का नाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले को अयोध्या कर दिया। अब ऐसी स्थिति बीजेपी की असम सरकार कर रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असम की बीजेपी सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलने का ऐलान किया है। ये फैसला असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद इस बदलाव की जानकारी दी है। अब करीमगंज को श्री भूमि के नाम से जाना जाएगा। ये फैसला राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि असम का जो मुख्यमंत्री है वो पूर्ण रूप से मुस्लिम विरोधी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एमआईएम ने 2 मिनट की नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी और कांवड़ियों पर साधा निशाना। जय दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी चीफ ने कांवड़ियों को हुड़दंगी बताया है। मुरादाबाद की एक जनसभा में एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि सावन के महीने में 2 महीने तक नेशनल हाईवे बंद कर दिए जाते हैं। पुलिस विभाग के लोग कांवड़ियों के पैर धोते हैं। हाथों से चिलम पीने का इशारा करते हुए अली ने कहा कि कांवड़िये बेचारे माशाल्लाह लेकर मस्त रहते हैं। अयम नेता ने कहा है कि कांवड़िये चिलम भी भरते हैं, शराब भी पीते हुए रहते हैं। वह 18 नंबर को कुंदरकी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान 2 मिनट नमाज अगर सड़क पर पढ़ लेता है तो ट्रैफिक बंद हो जाता है, जबकि कांवड़िये पूरे 2 महीने हुड़दंग मचाते हैं, रोडों को जाम कर देते हैं, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ संपन्न। मुसलमानों ने अखिलेश को दिया समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का मतदान समाप्त हो गया है, तो वहीं इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीटों पर है, जहाँ पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है और इस सीट को सपा की रिजर्व सीट माना जाता है। लेकिन अब मुस्लिम मतदाताओं ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर मोदी योगी की लहर नहीं है। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने 65% वोट समाजवादी पार्टी को एकतरफा दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यहां के नतीजे आने से पहले ही यहां पर समाजवादी पार्टी
जीत गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होते ही भड़की हिंसा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को पीटा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही हिंसा भड़क गई है। महाराष्ट्र के नासिक में भाजपा और शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच दंगा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और बुरी तरीके से घायल करके भगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट गठबंधन के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस पार्टी की सरकार एग्जिट पोलों में बनती हुई नजर आ रही है और इसी बात को लेकर